क्या आपको पता है कि आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लोन की राशि निकाल सकते हैं? जी हाँ, ये सुविधा अब आपको मिली है और ये 100% सच बात है। कैसे आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से जो राशि है वो निकाल सकते हैं लोन के रूप में, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। पीएफ अकाउंट से लोन लेने की प्रक्रिया को लोन नहीं बल्कि ये एक तरह की एडवांस निकासी कही जाती है, जिसे सिर्फ कुछ निश्चित हालात में ही पाया जा सकता है। पीएफ खाते से लोन लेने के लिए आपको फॉर्म 31 जमा कराना होगा। इसे ईपीएफ एडवांस फॉर्म कहा जाता है। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं, यानी अगर आप शादी के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको अपनी शादी का कार्ड लगाना होता है। साथ ही आपको ईपीएफ फॉर्म 31 में अपनी पीएफ अकाउंट नंबर, वेतन और बैंक खाते की जानकारी भी देना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के बाद ही आपका क्लेम प्रोसीड होगा और ये राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। नौकरी करने के दौरान भी आप पीएफ अकाउंट से लोन निकाल सकते हैं, हालांकि ये आपके काम करने के सालों पर निर्भर करता है। घर खरीदने और होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए आप ईपीएफ अकाउंट में जमा रकम का 90% हिस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपका ईपीएफओ में 3 साल पुराना सदस्य होना जरूरी है। आप इस अकाउंट से लोन अपनी, अपनी बहन, भाई या फिर बेटी की पढ़ाई, खुद की या बेटा और बेटी की शादी के लिए, इलाज के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर उसकी ईएमआई के लिए ले सकते हैं। इसमें रीपेमेंट की समय अवधि 24 महीने की रखी गई है। लोन का भुगतान या तो मासिक तौर पर या फिर लमसम में हो सकता है। तो है ना बेहद आसान तरीका, आपको घर खरीदना है या फिर होम लोन की ईएमआई भरनी है तो बेहद आसान तरीके से आप अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि का 90% हिस्सा लोन के रूप में निकल सकते हैं। कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ अल्पना शर्मा, अमर उजाला टीवी, नोएडा।